Good afternoon. Hello. Welcome to Online Study Center of VGPS. It's me, Ashfaq Khan. आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास सिक्स का कंप्यूटर कंप्यूटर का चैप्टर वन वर्किंग विथ विंडोज़. इस चैप्टर में इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वर्किंग विथ विंडोज़, विंडोज़ के साथ कैसे काम किया जाता है, टास्क बार का क्या यूज़ है, फीचर्स ऑफ टास्क बार, उसकी क्या क्या खासियत है, और लाइब्रेरी के बारे में कि लाइब्रेरी होता क्या है. वर्किंग विथ विंडोज 7. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर. विंडोज 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट and released on 22 October 2009, Windows 7 operating system is a user-friendly when compared to its precedents. Simple लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो यूज़र होता है और हार्डवेयर होता है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच का रिलेशनशिप या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बीच का जो रिलेशनशिप है, ये स्टेबलाइज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. कॉमन सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये कंप्यूटर को कॉमन सर्विस प्रोवाइड किया जाता है. और इसका अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो लगभग 82.74% मार्केट शेयर है. दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि लगभग वर्ल्ड में 82.74% लोग विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं. इसका बेसिक टास्क जो है फाइल मैनेजमेंट का है, मेमोरी मैनेजमेंट का है, इनपुट आउटपुट का है और पेरिफेरल कंट्रोल का है. तो फाइल को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट. इनपुट आउटपुट के बारे में या इनपुट आउटपुट के डिवाइस के बारे में पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा. जैसे माउस, माउस क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है. माइक, माइक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है. आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे मेरा वॉइस आ रहा है, मेरा पिक्चर आ रहा है, मेरा वीडियो आ रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया. स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया. स्कैनर इनपुट डिवाइस हो गया. स्कैनर से अगर प्रिंट करके कुछ निकल रहा है तो प्रिंटर जो होगा वो आउटपुट डिवाइस हो गया. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना. इसका बेसिक फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट, पेरिफेरल्स. और जो विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ बोलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं. जैसे लिनक्स, विंडोज़, वी एम एस, ओ एस 400, ए आई एक्स, जेड ओ एस, ई टी सी, ये इतने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टास्क बार. टास्क बार इज अ फीचर इन विंडोज 7 विच अलाउज क्विक एक्सेस टू द करंट रनिंग एप्लीकेशन. हम कह सकते हैं कि द टास्क बार इज एन एलिमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. जब हम लोग कुछ भी वर्क करते हैं, जब वर्क करते हैं तो जो एप्लीकेशन ओपन होता है वो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में शो होता है, जिसे हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं. टास्क बार का काम क्या है कि जो एप्लीकेशन चल रहा है उसे हम लोग आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जो हमेशा नीचे शो करते रहता है. टास्क बार का जो फीचर्स हैं, पहले जितने भी विंडोज़ आते थे ना उसमें टास्क बार के फीचर्स नहीं हुआ करते थे. एमएस विंडोज़ मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आया, लगभग माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन आया था विंडोज़ 95 में ये फीचर्स ऐड हुआ. उसके बाद विंडोज़ का जितना भी वर्ज़न आते गया सब में ये फीचर्स मतलब टास्क बार का फीचर्स ऐड होते गया, पहले ये ऐड नहीं होता था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी. लाइब्रेरीज होता क्या है. लाइब्रेरीज आर द यूज्ड टू मैनेज फाइल्स लोकेटेड एट मल्टीपल लोकेशंस इन ए कंप्यूटर. द डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज ऑफ लाइब्रेरीज आर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, pictures and videos. It provides quick access for the files located in various folders. Folders can be customized as both public and private
read-only access can be provided to the private folders for security reason. हम कह सकते हैं कि the collection of the none wala tile resources, that means the collection of the files, program, routines, etc. बहुत सारे files, program, pictures, music सबको जब हम लोग एक जगह collect करके रखते हैं तो वो library कहलाता है. जैसे हमारे school का जो library होता है उसमें सारे क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट का जो बुक होता है वो एक जगह, SST का बुक एक जगह, साइंस का बुक एक जगह, मैथ्स का एक जगह, कंप्यूटर का एक जगह, वो भी क्लास क्लास वाइज सजाया हुआ रहता है एक जगह, क्योंकि हम लोग उसे आसानी से एक्सेस कर सकें, हम लोग आसानी से उसे जाकर यूज कर सकें. उसी तरह से द कलेक्शन ऑफ द नन वाला टाइल रिसोर्सेज, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ द फाइल्स, प्रोग्राम एंड रूटीन्स, ETC. विंडोज 7 में चार डिफॉल्ट लाइब्रेरी होता है. विंडोज 7 में या पहले भी विंडोज में चार डिफॉल्ट लाइब्रेरीज हुआ करते थे, जैसे डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर और वीडियोस. अब एक वर्ड यूज़ किया गया पब्लिक और प्राइवेट. तो हम लोग भी अभी आजकल क्या करते हैं, अपने मोबाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं. पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने का मतलब क्या है कि ये जो मोबाइल है या जो गैलरी है या वीडियो है जो कुछ भी है व्हाट्सएप है, ये सब क्या हो गया, प्राइवेट हो गया. इसे सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकेंगे या फिर वो पर्सन एक्सेस करेगा जिसको इसका यूज़र नेम और पासवर्ड पता होगा. और पब्लिक का मतलब इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, इसे यूज़ करने के लिए किसी भी एक्सेस का ज़रूरत, यानी कि किसी भी परमिशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. तो आज का आपका ये टॉपिक था वर्किंग विथ विंडोज़ में, टास्क बार, इसके फीचर्स, लाइब्रेरीज. अब जब वीडियो ख़त्म होगा तो इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देंगे. ये आज का आपका होमवर्क होगा, उस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करना है. और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एक्टिव हैं जिसका आंसर बार बार देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सीन करके छोड़ देते हैं और फिर वो आंसर नहीं देते हैं. तो प्लीज़ अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए हमारे साथ जुड़ें और हमारे सवालों जवाब और जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसका अच्छे से यूज़ कीजिए और उसका जवाब दीजिए. थैंक यू. अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.